नमस्कार, स्वागत आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसमें बीएसपी का कितना जोर, मध्य प्रदेश में चुनावी शोर और बीएसपी दिखाएगी कितना जोर, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक की अगर बात करी जाए तो बसपा जो है वो अपने प्रत्याशी उतारती जा रही है। सबसे खास बात यह है कि बसपा तीसरी ताकत बनने की कोशिश में भी नजर आ रही है, क्योंकि इस बार सबसे बसपा ने एक नया प्लान तैयार किया है। जो दल जो हैं अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और कई नाराज भी हो जा रहे हैं, तो ऐसे में बसपा उन लोगों को अपनी शरण में ले रही है, अपना स्थान दे रही है, अपना मंच दे रही है इस बार चुनाव में ताल ठोंकने का। तो ये बड़ा दिलचस्प है इस बार, और इसी पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। और ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात, चाहे वो बिंद की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें या ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, तो वहां पर क्या हालात है, इसी को आज हम समझेंगे। हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो चलिए हमारे सहयोगी जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और उनको हम अपने साथ लेते जा रहे हैं। पंकज प्रजापति हमारे सहयोगी हमारे साथ सागर से जुड़े हुए हैं। पंकज, आप तक आवाज पहुंच पा रही होगी, स्वागत है आपका फेसबुक लाइव पर। और साथ में हमारे सहयोगी शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि बुंदेलखंड और विंध्य में क्या स्थिति है बसपा की। और सुशील कौशिक हमारे सहयोगी जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी जुड़े हैं ग्वालियर से, और ग्वालियर से सुशील से भी समझेंगे कि बसपा की ताकत इस बार रहने वाली है। तो सबसे पहले सुशील, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ग्वालियर चंबल वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो हमने खूब खबरें दिखाई कि काफी टफ मुकाबला रहने वाला है, और यहां पर दोनों अपना अपना जोर लगा रहे हैं। इस बार दिलचस्प ये है कि बीजेपी और कांग्रेस, जहां दोनों से सहारा अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो बीएसपी कहती है कि हमारी शरण में आ जाओ, हम तुमको मैदान में उतारेंगे, हम तुमको अपना मंच दे देंगे। क्या नजर आ रहा है बीएसपी का इस बार 2023? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में बीएसपी का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो 1993 के बाद से लगातार रहा है, और कई बार यहाँ बीएसपी ने सीटें भी जीती है। इस बार भी अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में कम से कम 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी के जो कैंडिडेट है वो चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे। अगर बात करें प्रमुख सीटों की, तो जहां दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के रविंद्र सिंह है, वहां पर बीएसपी से बलवीर सिंह दंडोतिया ने ताल ठोकी है, ब्राह्मण उम्मीदवार है, और इससे पहले भी वो इस सीट से बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर जीत चुके हैं। इस सीट पर बीएसपी ट्रायंगुलर यहाँ फाइट कर रही है। इसके अलावा भिंड सीट की बात करें तो भिंड सीट पे पिछली बार 2018 में संजीव सिंह कुशवाहा ने बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। हालांकि करीब 2 साल पहले संजीव सिंह कुशवाहा बीजेपी में आ गए थे, लेकिन अब टिकट ना मिलने के चलते वो वापस बीएसपी में चले गए हैं और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भिंड सीट पर भी असर रहेगा। इसके अलावा लाहौर सीट की बात करें, जहां से डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के उम्मीदवार है, वहां बीजेपी ने जब अमरीश शर्मा गुड्डू को प्रत्याशी बनाया तो वहां से बीजेपी के जो पुराने नेता रसाल सिंह, उन्होंने बीएसपी का दामन थामकर वहां से चुनाव मैदान में ताल ठोक दिए। तो इस तरह से करीब ग्वालियर चंबल अंचल में 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे। या तो बीएसपी के कैंडिडेट के चलते कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ेगा, या फिर कई ऐसी सीटें जहां पर उसका नुकसान कांग्रेस को भी होगा। तो निश्चित तौर पर बीएसपी इस बार ग्वालियर चंबल अंचल में काफी प्रभावी भूमिका रखेगी 8 से 10 सीटों पर। दिलचस्प ये आपने जो हमारे साथ फेसबुक पर हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा बता देते हैं क्या आंकड़ा रहा है, क्या मध्य प्रदेश से सवाल ये है कि मायावती ताकत हासिल करने वाली है। बीते चुनाव की अगर बात कर ली जाए, 2018 के चुनाव की बात कर ली जाए, तो बसपा को 5% वोट हासिल हुए थे, और 2013 की अगर बात की जाए, 2018 2013 2 सीटों का बसपा को नुकसान हुआ था, कुल 4 सीटें थी। इसके बाद 2018 में ये भी
इलाके हैं जहाँ पर लगभग 3 दर्जन सीटें जहाँ की इसीलिए चलिए अब विंध्य की बात कर लेते हैं और चलते हैं शिवेंद्र के पास। बीजेपी कांग्रेस के बीच ही कहा जा रहा है, लेकिन बसपा भी अपने दांत ठोकती नजर आ रही है। तो मायावती मोर्चा संभाल लीजिए, सभाएं करने वाली है मध्यप्रदेश। देखिए यदि आप बिंद की बात करें तो बिंद जो है सीमा जो है इलाका है और यहाँ और रीवा जिले बड़ा जनाधार है और जो भी चुनाव हुए हैं पिछली बार जो भी चुनाव हुए हैं अब तक उसपे काफी वोट पाए थे और यहाँ बीएसपी का एक वोट बैंक है जो हर विधानसभा में उपलब्ध है। चूंकि मिशन 2023 की बात करें तो सतना जिले की 5 सीटों में सीधे मुकाबले में बीएसपी है। कुछ बागी जो है जो बीजेपी के बागी हैं जैसे सुभाष शर्मा डोली वो चितकूट में चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं और तिकोनी मुकाबला उन्होंने बना के रखा है। इसी तरह नागौद की बात करें तो नागौद में यादवेंद्र जो कांग्रेस के दावेदार थे उन्होंने उनको टिकट नहीं मिली, बीएसपी का दामन थाम के चुनाव मैदान में है। रैगांव जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है वहां पे देवराज सिंह अहिरबार चुनावी मैदान में है। इसी तरह अमरपाटन में छंगेलाल और रामपुर बघेलान में मोतीलाल पटेल, ये 5 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीधे मुकाबला दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी को। इसी तरह यदि हम रीवा की बात करें रीवा की सिरमौर त्योंथर मझगवां देवतालाब ये ऐसी सीटें हैं जहां बीएसपी मुकाबला दे रही है और दोनों पार्टियों के जो वोट बैंक हैं जिसको आदिवासी वोट बैंक कहते हैं कि आदिवासी बीजेपी के पास चला गया है कांग्रेस के पास बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बीएसपी उस तबके पर प्रहार कर रही है, उसको अपने लुहाने का प्रयास कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि बिंद क्षेत्र का रीवा एक ऐसा जिला था जहाँ सबसे पहले बीएसपी ने सेंध लगाई थी और जब बीएसपी पहले मैदान में उतरी थी तो भीम सिंह पटेल सांसद चुने गए थे, इसके बाद बुद्धसेन पटेल सांसद चुने गए, देवराज पटेल सांसद चुने गए और सतना और रीवा में अब तक आधा दर्जन से ज्यादा विधायक बीएसपी के हो चुके हैं और इस बार ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि जब सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग हुआ है तो ऐसे में समण मतदाता भी बीएसपी के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरेंद्र मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रहा हूँ कि बसपा ने इस बार एक नया प्रयोग भी किया, वो प्रयोग ये है कि उसने मिला लिया है गोंगा पार्टी और गोंगा स्वतंत्र पार्टी से हार। बिंद की अगर कुछ सीटों की अगर तो गोंगापा का क्या प्रभाव नजर आता है और क्या गोंगापा और बसपा तो क्या वो गंभीरता से इस पर काम कर रहे हैं, जमीन पर उनके बीच सामंजस्य नजर आ रहा है या फिर केवल सीटों का बंटवारा? देखिए मैं आपको बता दूं कि रीवा और सतना में बीएसपी का जनाधार है और बात यदि हम बिंद के शहडोल उमरिया अनूपपुर जिले और सीधी और सिकरौली की बात करें तो वहां पे गोंड जनजातियों का एक बहुतायत मतदाता है, वहां उस पार्टी का असर दिखता है। और आपने देखा होगा कि अभी उमरिया में काफी बड़ा संघर्ष भी हुआ था, पुलिस वालों पर हमला भी हुआ था, वो कार्यकर्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के थे। लेकिन सतना और रीवा जिले में जो गौंड समाज है उसकी संख्या बहुतायत नहीं है, कम मात्रा में है, तो ऐसे में यहाँ बीएसपी फाइट देती नजर आ रही है। बल्कि उमरिया शहडोल अनूपपुर सीधी और सिंगरौली में गोगपा जो गोवर्धन गणतंत्र पार्टी है वो असर करती नजर आ रही है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सिंगरौली और सीधी दो सीटों में आपकी भी दस्तक हुई है। सिंगरौली से रानी जो अग्रवाल हैं वो महापौर हैं और वो सिंगरौली से मैदान में हैं। साथ ही चुरहट जहां से अजय सिंह राहुल कांग्रेस प्रत्याशी हैं तो सावित्रीन तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी है, वहीं पर आप पार्टी ने आनंद मिश्रा जो कि पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा और पूर्व विधायक के लड़के हैं उनको टिकट देकर मुकाबले को रोचक बना के रखा है। जी तो कुल मिला के बीएसपी का असर रीवा और सतना जिले में है और बाकी गोमाणा गठन पार्टी का असर सीधी सिंगरौली शहडोल उमरिया और अनूपपुर जिले में देखने को मिल रहा है। ठीक है। बात बुंदेलखंड की अब कर लेते हैं। बुंदेलखंड का क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश की सीमा से तो हम सब जानते हैं कि लगा हुआ है,
वहां पर पंकज प्रजापति हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वहां पर बीएसपी कितनी क्या कोई टफ फाइट दे पाएगी, क्या वहां पर वोटों को प्रभावित करेगी या फिर कोई सीट निकाल भी सकती है, और अगर वोटों को प्रभावित करती है तो किसके वोट पर प्रभाव पड़ेगा, पंकज से समझते हैं। पंकज बताए कि बीएसपी इस बार जो चुनावी कार्ड दिख रही है और अब तो रैलियां शुरू हो जाएंगी, ताबड़तोड़ रैलियां मायने नहीं करेंगी, इस बार बीएसपी का क्या कर कितना वोट लगेगा। पुनीत बताना चाहूंगा कि समूचे बुंदेलखंड में जो है लगभग 22 जो है वो एससी समुदाय से आता है, जो कि बासपा का बहुत पुराना वोट बैंक माना जाता है। और अगर बात करें बुंदेलखंड के 6 जिलों की तो जिनमें लगभग 12 से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर बासपा का जो है सीधा मुकाबला टक्कर रहती है भाजपा और कांग्रेस से, और वो जो है मुकाबला उन सीटों पर त्रिकोणीय हो जाता है। बात अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की करें तो वहां पर लगभग 14 सीट जो है भाजपा की आई थी, 6 से 7 सीट कांग्रेस की आई थी और 1 सीट सपा और बासपा की गई आई थी। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सपा की जो सीट थी वो भाजपा के साथ चली गई थी, और एक अकेली रामबाई थी पथरिया से जिन्होंने जो है आखिरी समय तक जो है अपना जो नाम है वो बीजेपी के साथ नहीं मिलाया था। तो बासपा की जो सीट है पथरिया वो अभी भी फाइट की है, और वहां पर जो है लगातार रामबाई भाजपा और कांग्रेस से जो है फाइट करती दिखाई दे रही है। सागर की अगर बात करें तो बंडा विधानसभा सीट एक ऐसी है जहां पर रंजूर सिंह बुंदेला जिनको बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है वो क्षेत्र में जो है काफी प्रभाव रखते हैं। जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत जनपद में अध्यक्ष भी रहे हैं, मंडी परिषद में भी वो अध्यक्ष रहे हैं और उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। तो इस बार जो है कहीं ना कहीं वो बंडा विधानसभा में जहां पर कांग्रेस ने जो है अपने जीते हुए पुराने विधायक को इस बार प्रत्याशी बनाया, भाजपा ने एक शिक्षक को जो है टिकट दिया है और बासपा ने रंजूर सिंह बुंदेला को जो है अपना प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणी है और सीधा दखल बासपा का इन सीटों पर है। पूरे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की अगर बात करें तो 26 सीटों में 11 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है बसपा सीधा सीधी टक्कर दिखाई देती है, जिनमें सागर में बीना है, बंडा है और निवाड़ी है, खरगापुर है, महाराजपुर है, चंदला है, राजनगर है, मलेरा है, पवई है, गुन्नौर और पन्ना। इनकी जो विधानसभा की जो कहना चाहिए बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश से लगती है, इसलिए यहाँ पर सपा और बासपा काफी प्रभाव रखती हैं और दोनों ही पार्टियां जो है वो लगातार बुंदेलखंड में ये दावे करती आई हैं कि बुंदेलखंड से पलायन रुकेगा, अशिक्षा एक बड़ा मुद्दा है और एक काफी पिछड़ा हुआ इलाका जो है बुंदेलखंड माना जाता है। तो लगातार देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश जो आती है प्रभाव दिखता नहीं, लेकिन क्या इस बार दिखेगा। वैसे लगभग 3 दर्जन सीटें उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी हुई हैं, दर्शकों को हम बता ही रहे हैं। बीते चुनाव में 68 सीटें ऐसी हैं जिस पर दूसरे या तीसरे नंबर पर बसपा रही है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। इस बार 178 सीट पर बसपा लड़ रही है, 52 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। ग्वालियर चंबल एक बार फिर से चलते हैं और सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अजब सिंह कुशवाहा नाराज हुए, कहा कि मैं मुरैना की 6 की 6 सीटें हरवा दूं, कमलनाथ को चैलेंज उन्होंने दे दिया, कमलनाथ को यहां से हरवा कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने टिकट चेंज किया और अजब सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा, कुलदीप सिकरवार को फिर से उम्मीदवार अब बना दिया है, क्योंकि कुलदीप सिकरवार को पहले टिकट मिला था, अब अजब सिंह कुशवाहा को मिला और पूरा मामला पलट गया। यानी कि बीएसपी किस प्रकार से ग्वालियर चंबल अंचल में खेल रही, थोड़ा समझा। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में अगर बीएसपी की कहें तो बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है ग्वालियर चंबल अंचल में, और जिन सीटों पर बीएसपी ने कैंडिडेट खड़े किए हैं वहाँ निश्चित तौर पर बीएसपी के उम्मीदवार भले ही किसी सीट पर जीतने की स्थिति में ना हो लेकिन चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे। कुलदीप सिकरवार का ही अगर उदाहरण देखें तो उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया था, अजब सिंह कुशवाहा जो सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट काटा था कांग्रेस ने सुमावली से, लेकिन जब विरोध हुआ तो उसके बाद उन्हें तत्काल जो है टिकट चेंज करना पड़ा और उसके बाद कुलदीप की जगह वापस अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया। कुलदीप ने नाराज होकर कांग्रेस छोड़ बीएसपी से टिकट हासिल किया, वो बीएसपी से उम्मीदवार वहां पर है, तो उस सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती हो गई। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो इस सीट पर देखे तो कांग्रेस के लिए होगी। इसके अलावा मुरैना सीट की बात करें तो यहाँ जब कांग्रेस की तरफ से दिनेश गुर्जर को टिकट दिया गया, उसके साथ ही राकेश मवई का टिकट काटा था, राकेश मवई ने नाराज होकर कहा कि मैं सभी सीटों को हरा दूंगा। इसके साथ ही मुरैना में अगर देखें तो रघुराज सिंह कंसाना गुजर समाज के हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया। रुस्तम सिंह के बेटे की
नाम पर गौर नहीं किया बीजेपी ने, तो रुस्तम सिंह ने पार्टी छोड़कर बीएसपी ज्वाइन कर ली। रुस्तम सिंह ने अपने बेटे राकेश सिंह को जो है मुरैना विधानसभा सीट से उतार दिया। यहाँ पर भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए भी परेशानियां और कांग्रेस के लिए भी परेशानियां बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर इसके अलावा डबरा विधानसभा सीट की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर भी जहां बीजेपी की इमरती देवी है, कांग्रेस के सुरेश राजे है, वहां सत्य प्रकाशी परसेड़िया बीएसपी से यहाँ पर खड़ी है। सत्य प्रकाशी परसेड़िया पहले डबरा नगर पालिका की अध्यक्ष भी रह चुकी है बीएसपी के कैंडिडेट के तौर पर। इसके अलावा भी और कुछ सीटें हैं कि जो समीकरण बीएसपी के होने के चलते यहाँ बिगाड़ सकती है। ज्यादातर नुकसान बीएसपी का कांग्रेस को होने की आशंका है, बीजेपी को कई सीटों पर फायदा मिलेगा। लेकिन अगर देखें तो आप ये समझेंगे कि ग्वालियर चंबल की सीटें, टोटल सीटें, उसमें क्या पोजीशनिंग रहने वाली है, इस बार क्या हो सकता है, ये भी समझेंगे, बिंदे में भी समझेंगे और बुंदेलखंड में भी समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए उनको एक चीज और बता देते हैं। दिलचस्प पहलू ये है कि बसपा भले ही एक डोमिनेटिंग पोजीशन में या कहें कि वोट कटवा की पोजीशन में भली ही रहती है और दूसरे तरफ वो परेशान जरूर करती है, लेकिन बसपा जो है बहुजन समाज पार्टी जो है उसकी परेशानी पर बल पड़ता है। और इसलिए मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट देने का अंदाज अलग है, मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, उनको उनके सभाओं करने का, उनको करने का अंदाज बिल्कुल अलग और मायावती करती है। लेकिन 2008 की बात कर ली जाए तो 2008 के मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीएसपी को 9% वोट हासिल हुए, 9%। और इसी के 5 साल बाद फिर से जब 2013 में चुनाव होते हैं बीजेपी और कांग्रेस में शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन क्या इस बार ऐसा रहने वाला है और जमीनी हालात क्या है, सबसे पहले बुंदेलखंड करते चलते हैं और जल्दी से कम शब्दों में पंकज से समझते हैं कि जमीनी हालात बता पंकज। पुनीत देखिए, बुंदेलखंड की जो 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर बसपा की सीधी फाइट है, और जैसा कि पिछले चुनाव में उनका वोट शेयर भी बड़ा था, और जो बसपा की जो ताकत है एससी वोट, वो सबसे ज्यादा जो है बुंदेलखंड से ही आता है। बात करें अगर पूरे समूचे बुंदेलखंड की तो पथरिया एक ऐसी सीट है, आप सागर से बंडा ले लीजिए, निवाड़ी में अवधेश को टिकट मिला है, आप निवाड़ी ले लीजिए, उसके अलावा छतरपुर की जो महाराजपुर सीट है, मनोज कुशवाहा जिनको टिकट दिया गया, वो काफी बड़ा नाम है, और मनोज कुशवाहा जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है इन 4 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। और बसपा जो है वो कांग्रेस के लिए एक मुसीबत है, वो अक्सर जो है कांग्रेस की ही वोट काटती है। और जो एक गठबंधन की जो बीते दिनों चर्चा आई थी कि आप सपा अखिलेश यादव का भी आप देख चुके हैं जो सिनेरियो रहा है गठबंधन को लेकर मध्य प्रदेश में, और बसपा ने भी जो प्रत्याशी उतारे हैं कांग्रेस के अगेंस्ट, ठीक कहना चाहिए कि जो कांग्रेस की वोट काटेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान जो है सीधा कांग्रेस को होने वाला है। कितनी सीटों पर डोमिनेटिंग पोजीशन में बसपा नजर आ रही है जहां पर नतीजे किसी के पक्ष में आ रहे हैं, लगभग 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जो मैंने अभी आपको नाम गिनाए हैं जिनमें बंडा है, निवाड़ी है, महाराजपुर है, ये जो है ये सीटें, जी यहाँ ये जो सीटें हैं यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो सीधा कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को डोमिनेट करेंगे, और सीधी फाइट जो है भाजपा से रहेगी, क्योंकि बीते दिनों जो टिकट वितरण में जो नाराजगी सामने आई थी बसपा ने उनमें से अधिकतर जो लोग हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाया, तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जो है काफी प्रभाव रखते हैं। जी चलिए, ठीक है, जल्दी से शिवेंद्र से आप समझ लेते हैं कि बिंदे में क्या सिनेरियो नजर आ रहा है और बसपा का ग्राउंड जीरो पर कितना फोड़ है। देखिए, मैं बिंद क्षेत्र की बात करूं तो बिंद क्षेत्र की 8 सीटों पर जो बसपा है वो फाइट करती नजर आ रही है। 5 सीटें सतना जिले की हैं और 3 सीटें रीवा जिले की हैं, जहां बसपा कड़ा मुकाबला दे रही है, वहां पे त्रिकोणी मुकाबला सामने आएगा। और रीवा की त्योंथर में जहां बीजेपी के बागी देवेंद्र सिंह बसपा के प्रत्याशी हैं और आखिरी समय में बसपा में ज्वाइन करके उनको टिकट मिली है, इसी तरह पूर्व डीएसपी सिरमौर से बीडी पांडे मैदान में हैं और जाति समीकरण में भारी नजर आ रहे हैं।
इसी तरह से देवतालाब में भी कुछ इसी तरह का मामला है। सतना की बात करें तो रैगांव में जब बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ी तो वहां पे कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन इस बार बीएसपी आम चुनाव है, बीएसपी मैदान में है और कांटे की टक्कर देता नजर आ रहा है। साथ में नागौर की बात करें तो कांग्रेस से बागी जो पूर्व विधायक है, काफी बाहुबली नेता है, जनाधार भी काफी है, यादवेंद्र सिंह, वो बसपा के सिंबल से चुनाव मैदान में है, वो काफी तिकोनी संघर्ष दे रहे हैं। और यहाँ पे बीजेपी से नागेंद्र सिंह है और कांग्रेस से रश्मि पटेल है। और बात यदि मरपाटन की करें तो वहाँ छंगेलाल कोट पिछले 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और जब वो 35,000 से लेकर 40,000 वोट पा रहे हैं और उससे सीधे निशान कांग्रेस को होता दिखाई दिया था, और इस बार भी ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि त्रिकोणी मुकाबला अमरपाटन में भी होगा। तो कुल मिला के बिंद की 8 सीटों पर बीएसपी टक्कर देती नजर आ रही है। जितने में बीएसपी भले कामयाब ना होती नजर आती हो, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी नुकसान पहुंचा सकती है और नुकसान हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कांग्रेस को यहां पर हो सकता है। ग्वालियर चंबल अंचल की बात कर लेते हैं, 34 सीटें, पिछली बार भी जो 2018 के नतीजे आए थे उसमें बड़ी भूमिका ग्वालियर चंबल की थी, कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत यहां दर्ज की और उसके बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव ने आधी आधी सीटें ग्वालियर चंबल की आधी आधी सीटें बांट दी, 17 बीजेपी 17 कांग्रेस के पास। इस बार भी दोनों जोर लगा रहे हैं, दोनों को मालूम है कि ग्वालियर चंबल अंचल में कितनी ताकत जुटानी जरूरी है, लेकिन क्या ये आसान है और बीएसपी इस राह में दोनों ही दलों की इस राह में कितनी मुश्किल खड़ी कर रही है, समझते हैं शिवेंद्र सुशील से। सुशील बताए। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में अगर बात करें समीकरण की तो यहाँ कुल 34 सीटें हैं, इनमें 17 सीटें बीजेपी के पास है और 17 कांग्रेस के पास है। जहां तक बीएसपी का सवाल है तो अभी इस 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल की 34 में से 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीएसपी के तगड़े उम्मीदवार खड़े हैं। इन सीटों पर निश्चित तौर पर कुछ सीटें बीएसपी जीत सकती है और अधिकांश सीटों पर बीएसपी जो है या तो कांग्रेस का खेल खराब करेगी या फिर बीजेपी का खेल खराब करेगी। अब अगर बात करें पिछले 2018 के चुनाव की तो भिंड विधानसभा सीट को बीएसपी ने जीता था, इसके अलावा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट पर बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। यहाँ भारत सिंह कुशवाहा के सामने बीएसपी के उम्मीदवार साहब सिंह महज 2,500 वोट से चुनाव हारे थे। इसके अलावा इस बार अगर बात करें सीटों की तो मुरैना जिले की 4 ऐसी सीटें जहाँ सीधे त्रिकोणी मुकाबला है बीएसपी के उम्मीदवारों के चलते। मुरैना में बीएसपी के राकेश सिंह है, उनके चलते रघुराज कंशाना दिनेश गुर्जर के बीच जो मुकाबला है वो त्रिकोणी हो गया। इसके अलावा सुमावली सीट पे अगर देखें तो अजब सिंह के सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी अजब सिंह उनके सामने कुलदीप को खड़ा किया है बीएसपी ने, तो वहां त्रिकोणी संघर्ष है, उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई। पंकज उपाध्याय वाली जो सीट है वहां पर भी बीएसपी का कैंडिडेट दमदार है। इसके अलावा भिंड सीट की बात करें तो भिंड सीट पे संजीव सिंह कुशवाहा जो पिछली बार 2018 में चुनाव जीते थे, 2022 में जब वो बीजेपी में आए अब टिकट ना मिलने के चलते वो वापस बीएसपी से वहां उम्मीदवार है, तो वो चुनाव प्रभावित करेंगे। इसके अलावा लाहार विधानसभा सीट से बीजेपी के जो प्रत्याशी रहते थे रसाल सिंह, उनको टिकट इस बार नहीं मिला, बीजेपी ने अमरीश गुड्डू को वहां प्रत्याशी बनाया। तो डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने अब बीएसपी कैंडिडेट के तौर पर रसाल सिंह भी मैदान पे लाहार से, तो वहां पर भी बीजेपी की परेशानियां बढ़ रही है। इसके अलावा और सीटों की बात करें तो ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट है, यहाँ से इमरती देवी बीजेपी से है, कांग्रेस से सुदेश राजे है, यहाँ बीएसपी की सत्यप्रकाशी परसेड़िया ये भी जाना पहचाना चेहरा है, दलित चेहरा है, एक बार नगरपालिका अध्यक्ष भी रह चुकी है, तो ये यहाँ चुनाव प्रभावित करेंगी, इसका नुकसान ज्यादा बीजेपी को होगा। इसके अलावा पोरी सीट पर भी देखें शिवपुरी जिले की, तो वहां पर भी बीएसपी के चलते जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए परेशानियां खड़ी हो रही है। इसके अलावा श्योपुर जिले की भी एक सीट है, श्योपुर सीट, वहां पर भी बीएसपी का एक दमदार चेहरा सामने आने के चलते वहां पर भी संघर्ष हो गया। तो कुल मिलाकर पुनीत ये कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल अंचल की 10 सीटों पर जो बीएसपी के प्रभाव वाले कैंडिडेट दमदार खड़े हुए हैं वहां 1-2 सीट हो सकता है कि बीएसपी जीत ले और ज्यादातर जो सीटें उन पर बीएसपी खेल जरूर बिगाड़ेगी। कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान दे रही है जातिगत समीकरणों से। कुछ सुशील ये दिलचस्प ये है कि पंकज और शिवेंद्र जो बात बता रहे हैं वहां पर बीएसपी हो सकता है कि कांग्रेस का खेल बिगाड़ दे, लेकिन आप जो बता रहे हैं जिस तरीके से आप लिस्ट बता रहे हैं बीजेपी ने कईयों को टिकट, संजीव सिंह कुशवाहा है, रुस्तम सिंह भी नाराज चल रहे हैं, उन्होंने भी कर दिया है कुछ सीटें, मतलब ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही बीएसपी एक बड़ी मुश्किल बनी हुई है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी तो अलग प्रत्याशी उतार चुकी है।
हाँ बिल्कुल सही बात। देखिए बीएसपी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं या बीएसपी से जिन लोगों ने टिकट हासिल किया है वो ऐसे लोग हैं कि या तो किसी से कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उसके चलते उन्होंने बीएसपी से टिकट ले लिया। कुलदीप का उदाहरण देखिए आपके, उनको जब कांग्रेस से टिकट मिल गया तो अजब सिंह ने बीएसपी से टिकट ले लिया, कांग्रेस ने टिकट बदलकर अजब सिंह को दे दिया वापस, तो कुलदीप ने कांग्रेस छोड़ बीएसपी का टिकट ले लिया, यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान है। मुरैना की बात करें तो रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि रुस्तम सिंह बीजेपी के बड़े नेता है तो यहाँ सीधे सीधे से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज कंसाना को इसका नुकसान होगा, क्योंकि जातिगत समीकरण भी ऐसे, रघुराज कंसाना खुद गुर्जर है और राकेश सिंह ये भी गुर्जर है, तो इसके चलते यहाँ बीजेपी को नुकसान है। दिमनी वाली सीट की बात करें तो वहां नरेंद्र सिंह तोमर है, नरेंद्र सिंह तोमर के सामने कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर है, दो ठाकुरों के बीच बीएसपी ने यहाँ एक ब्राह्मण बलवीर दंडोतिया को टिकट दिया है, तो यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भिंड सीट की बात करें तो भिंड सीट में भी अगर देखें तो वहां बीजेपी को नुकसान है, क्योंकि संजीव सिंह कुशवाहा बीएसपी से जीतने के बाद 2022 में बीजेपी में आ गए थे लेकिन अब टिकट नहीं मिला तो वो वापस बीएसपी से लड़ रहे हैं, तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। लाहार सीट पर अगर देखें तो रसाल सिंह को टिकट नहीं मिला बीजेपी से तो वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे बीएसपी वाले। तो कुल मिला के अलग अलग सीटों पर जहां जो जातिगत समीकरण बैठा है बीएसपी के टिकट में उस आधार पर वहां नुकसान होगा। कुछ सीटें ऐसी है कि जहां बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही बीएसपी, लेकिन अधिकांश सीटें ऐसी है कि जहां कांग्रेस को बीएसपी नुकसान पहुंचा रही है, दलित वोट हासिल करने के चलते कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा। जिन सीटों पर दबंग जाति के जातिगत उम्मीदवार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां उस जाति का फैक्टर काम करेगा। तो ये जो ग्वालियर चंबल अंचल की 10 सीटों पर बीएसपी के तगड़े कैंडिडेट है ये एक खास पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिस सीट पर जिस बाहुल्य का उम्मीदवार टिकट लेकर बीएसपी से मैदान में है वो उसको नुकसान होगा। और उसमें से आप ये बता रहे हैं कि 17-17 जो हो गई वो 17-17 नहीं हो सकता है कि इसमें कोई तीसरा भी 34 में से कोई तीसरा भी कुछ अपनी हिस्सेदारी लेकर जाए और ये बीएसपी हो सकती है, लेकिन अब नतीजे तो 3 तारीख को आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि बीएसपी इसलिए भी जोर लगा रही है क्योंकि आपने बताया कि 2008 के मुकाबले 2013 और उसके मुकाबले 2018 में वोट परसेंटेज जो है वो बीएसपी का लगातार गिरता जा रहा है और इसमें बीएसपी ऐसा लग रहा है कि इस बार इसको रिटेन करना चाहती है। अब रिटेन करने में क्या बीएसपी को कामयाबी मिल पाती है या फिर बीएसपी जो है केवल नतीजों को प्रभावित कर जाएगी, कुछ सीटें हासिल कर पाएगी नहीं कर पाएगी क्योंकि पिछली बार 2 सीटों का नुकसान हो गया, तो ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सहयोगियों का इस बातचीत को साझा करने के लिए, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने पूरी जानकारी दी और जमीन पर क्या ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है और कौन सी सीट को कैसे कौन प्रभावित करा है कि क्या समीकरण यहाँ पर बैठना है ये सारे बताए। लेकिन अब देखना होगा कि बीएसपी क्या अपना वोटिंग वोट परसेंटेज जो प्रदेश में है वो शेयर जो है क्या उसको बढ़ा पाएगी या फिर और कोई सीटें भी ले पाएगी लेकर आ पाएगी, क्योंकि 2 सीटें पिछली बार संतोष करना पड़ा था, 4 सीटें थी, 2 सीटों का नुकसान हुआ था, इस बार क्या गणित होगा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के फेसबुक लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।